मैं इंजीनियर जयप्रकाश, केंद्रीय महासचिव, राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन उत्तर प्रदेश। आगामी विश्व स्तरीय पर्व क्रिसमस डे एवं नूतन वर्ष 2020 की उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे देश के सभी नागरिकों एवं राज्य विद्युत परिषद संगठन के सभी सदस्यों पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। वहाँ भी आरएसएस के लोग, बाहरी लोग जो बसों को जलाने में भी थे, पुलिस के लोग भी थे। मेरा ये मानना है कि वो सारी बाहरी लोग, वहाँ आरएसएस ने बाहर से जो शांतिप्रिय दंगे प्रदर्शन हो रहा था उसे दंगा बनाने के लिए आरएसएस के लोगों ने काम किया है, और ये बाहरी लोग सभी आरएसएस के लोग थे और दूसरे कोई लोग नहीं थे। हमारा ये पूरा मानना है, ये दिल्ली में भी हमने देखा है, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ भी यही है। हमारी टीम जाएगी, वो पता करने की कोशिश करेगी। मानते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें, मैं मानता हूँ कि ये सारी जो है इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को ये नाकाम करने के लिए, क्योंकि ये पीस पार्टी ये मानती है कि जो भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही इसका हल है, कोई भी दंगा फसाद या अशांति इसका प्रदर्शन का हल नहीं है। तो इसको फेल करने के लिए आरएसएस ने पूरी तरीके से इसको दंगा का रूप दिया है, भड़कावे का रूप दिया है, और मेरा ये पूरी तरीके से मानना है, इसको ये प्रायोजित है सरकार का, और सरकार इसमें पूरी तरीके से दूषित है, आरएसएस और सरकार इसमें पूरी तरीके से संलिप्त है। मुझे यही पता चला है कि सरकार पूरी तरीके से सांप्रदायिक मानसिकता से ग्रस्त है, और देश और जनता को ये धर्म के आधार पर बांटने की साजिश कर रही है, और जो नागरिकता संशोधन कानून है ये पूरी तरीके से देश को धर्म के आधार पर बांटने का कानून है। क्योंकि अगर ये कुछ लोगों को नागरिकता देना चाहते, चाहे वो किसी भी मजहब के का मानने वाले हों, तो मौजूदा कानून में उनके पास अधिकार है, होम मिनिस्ट्री को अधिकार है कि उन्हें नागरिकता दे दे, तो दूसरा कानून बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है इनका। तो दूसरा कानून बनाने का सिर्फ ये मतलब है कि देश को ये बांटने की साजिश कर रहे हैं, और वोट अपना बैंक सहेजने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि सारे फ्रंट पर, इकोनॉमिक फ्रंट हो, इंडस्ट्रियल फ्रंट हो, सारे फ्रंट पर तो ये नाकाम है, रोजगार के फ्रंट पर ये नाकाम है। तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए देश को धर्म के आधार पर बांटने की साजिश कर रहे हैं, धर्म का सहारा ले रहे हैं। मैं समझता हूँ देश की जनता ठीक है, थोड़े दिन के लिए गुमराह हो सकती है, क्योंकि धार्मिक जनता है, हमारा देश एक धार्मिक है, मगर इन्हें ये नहीं समझ में आता कि ये देश जो है वो सहनशील भी है, जनता यहाँ की सहनशील है, राष्ट्रप्रेम है, हिंदू मुस्लिम में सौहार्द चाहती है। तो यही वजह है कि ये जनता आज उग्र हो चुकी है, इनके इस व्यवस्था से उग्र हो चुकी है। आपको लगता है कि पीस पार्टी फेल हुई है अपने, मतलब उनको कंट्रोल में और पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए? एक गोली चलाने का अधिकार है क्या? गोली चलाने का किसी को अधिकार नहीं है, पुलिस को अधिकार गोली चलाने का नहीं है। पुलिस का अधिकार गोली चलाने का है तो पैर पे मारने का अधिकार है, सीने सीने पर मारने का अधिकार नहीं है, सर पे मारने का अधिकार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ भड़काव में हुआ। अगर पुलिस ने शांतिपूर्वक सरकार जब बदला लेने की बात कर रही है, उकसावे की जब सरकार बात कर रही है, तो ऐसे में प्रशासन और पुलिस के लोग कैसे शांति रह सकते हैं? अगर ये शांतिपूर्ण तरीके से अगर इसको कंट्रोल किया जाता तो कोई घटना नहीं होती, पूरे प्रदेश में घटना नहीं होती। क्या वजह है कि सारे लोग यहीं मारे जा रहे हैं? इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, दिल्ली में इतने लोग मारे नहीं गए हैं, बल्कि यहीं उत्तर प्रदेश में क्यों लोग मारे जा रहे हैं? ये तो सबसे पहले ये बताता है कि यहाँ की प्रशासन लोगों को मारना चाहती है, अपने दम पर लोगों को, विरोध को दबाना चाहती है। किसी को गोली से मारने से क्या कोई प्रदर्शन रुका है? किसी गोली मारने से प्रदर्शन कभी नहीं रुका है। ये सरकार ये चाहती है कि गोलियों से जनता को भून देगी तो प्रदर्शन रुक जाएगा, तो सरकार ये मुगालते में है। सरकार को ये नहीं जानती है कि ये सरकार रहेगी और कल जाएगी सरकार, ये अब कल जाएगी तो इसकी जांच होगी, और जिसने भी ऑर्डर दिया है, चाहे वो मुख्यमंत्री रहा हो चाहे प्रधानमंत्री में रहा हो, उसको कानून, इस देश का कानून से सजा देगा। ये देर होगा मगर सजा उसे मिलेगा, मगर जो लोग भी इसमें शामिल रहेंगे उन्हें सजा जरूर मिलेगा। सर आपको नहीं लगता पर अगर ये अगर मूवमेंट कुछ अन्ना हजारे मूवमेंट की तरह होता पीसफुल, तो उसका मतलब जो ऑब्जेक्टिव है वो ज्यादा आप उसको मीट करने के लिए? अन्ना हजारे का क्या अभी कुछ हुआ क्या? उसे कुछ मिला नहीं, फिर भी आप सरकार से लड़े? अन्ना हजारे से मिला कुछ? कोई कानून तो पास नहीं हुआ अभी, कोई कानून पास नहीं हुआ उसका।
देश जनता को मैं समझता हूं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भड़कावा बनाने के लिए, उग्र बनाने के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जिम्मेदार है। और सरकार पुलिस प्रशासन ने इस जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था उसे जो है उग्र बनाने का काम किया है। पूरे देश पूरे प्रदेश में 144 लागू होने का कोई तुक नहीं है, यहाँ इंटरनेट बंद करने का कोई तुक नहीं है, कोई कानून इन्हें इजाजत नहीं देता। इन्होंने तो कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा रही है सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार। इन्हें न तो संविधान की चिंता है, न तो देश की चिंता है, न जनता की चिंता है। इन्हें तो सिर्फ आरएसएस के संविधान को लागू करने का चिंता है। और ये देश, ये जनता, ये जो हमारा यहाँ का जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो राष्ट्रीयता है, उसे बर्दाश्त नहीं करेगी, किसका विरोध करेगी। बस संविधान के बजाय आरएसएस का संविधान लागू करने का हर शख्स विरोध करेगा और पीस पार्टीज की पूरी तरीके से पूरी ताकत से विरोध करेगी।